उस्मान साहब, ऑर्डर्स की क्या डिटेल्स हैं? सर, 12,000 पेयर का ऑर्डर है सॉकर शूज का, 45 दिन की रिक्वायरमेंट है सर शिपमेंट की। अच्छा, तो प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है? सर, 30 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो आप प्लीज एक काम तो करें ना, कि ये शिपमेंट की जितनी भी कॉस्ट है वो बिल में डाल के जरा बिल तो रेस करें। ओके सर। हाँ, क्योंकि देखें, US हमारा पहली मरतबा जो है शिपमेंट जा रहा है, तो हमारे मुल्क का नाम ना बदनाम हो बस। थैंक यू। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो यार? एक्सक्यूज मी। नहीं, उस्मान साहब, प्लीज ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले, मुझे इमरजेंसी में गांव जाना है। सर, मैंने कहा था ना, अब मैच इसके हाथ से गया। इट्स नॉट ओवर येट, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। कोच साहब खुद इसको ढूंढ कर लाए हैं, कोई ना कोई बात तो है इसमें। मैंने कहा था ना तुम्हें, देखा? तुम लोग चलो, मैं आता हूं। चलो ठीक है, ओके, गुड वर्क। शायद भी सब आपकी वजह से हुआ। हम मुझे स्लो बॉल का ना कहते ना, मैं तो तेज इन स्विंगर के चक्करों में था। फजल, हमेशा सामने बैट्समैन की ना बॉडी लैंग्वेज, उसकी मूवमेंट को चेक किया करो, खुद समझ आ जाएगी कौन सी बॉल करवानी। जी सर। अच्छा बात सुनो, लास्ट बॉल पे जूते क्यों उतार दिए थे तुमने? वो शायद भी जूते फटे हुए हैं, तो वो सही तरह भागा नहीं जाता। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं पैसे जमा कर रहा हूं, मैं न्यू शूज लूंगा। दिलावर पान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, रॉकर शूज। मैं ख्वाब नहीं देखूंगा। बेदोबा भी बहुत दर्द होता है। कैसा पुराना सो दुनिया। अब मैं वही करूंगा जो मुझे आता है, अब नहीं देखूंगा ख्वाब। अब मैं चपले ही सीऊंगा।
सो सेल्स डीड मैं चेक कर चुका हूँ, आपने जो पॉइंट्स कहे थे वो सारे इनकॉर्पोरेट हो गए। गुड। और सर ये अमीन साहब हैं इस ग्राउंड के मैनेजर, बहुत एक्सपीरियंस है और पिछले 12 सालों से तमाम मैनेजमेंट इन्हीं के जिम्मे है, आगे भी इन्हीं के जिम्मे होगी। आपने ये तरीकी ग्राउंड ले ही लिया हमसे, जिद के पक्के हैं आप। बस अब इस ग्राउंड का स्टेडियम बनने का वक्त आ गया। मैं चलता हूँ। सर मैं इनको छोड़ के आता हूँ। सर वैसे आपने ग्राउंड क्यों खरीदा? मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपकी कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो फिर ये ग्राउंड हासिल करके आपको क्या फ़ायदा होगा? क्रिकेटर बनना चाहता था, बन नहीं सका। फिर सोचा बनाने वाला बनने वाले से बड़ा होता है। इस ग्राउंड के जरिए मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के यंग और टैलेंटेड क्रिकेटर्स ऊपर आए, यही चाहता हूँ। आप इस बात की खबर बना दें कि इस ग्राउंड की 150वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का अहतमाम होगा जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को इन्वाइट किया जा रहा है। जी सर, बेहतर, थैंक यू। की गलती है लाला, इनको मैंने बोला भी था कि मकास को कतरे पिलवाने दो, ये कहने लगे कि हमारे बच्चे को थोड़ी पोलियो हो जाएगा। अभी तो इसके खेलने की उम्र थी और अब बहुत जुल्म किया है अपने बच्चे के साथ, अपने साथ। कतरे तो पिलाने थे यार, दो कतरे। तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कितनी अजियत में गुजारी है, कितनी तकलीफ में गुजारी है। गुलाबा ने अपनी सारी जिंदगी दे दी इस मकसद के लिए कि किसी को पोलियो ना हो जाए मेरी तरह। मैं जगह जगह जाता हूँ, लोगों के पास गांव गांव जाता हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते मेरी बात मान लो, लेकिन मेरे अपने ही घर में मेरी बात का कोई कोई असर ही नहीं होता। आज से वकास की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसकी पढ़ाई और इसका सारा खर्चा। अब मैं देखूंगा। खुदा हाफिज़।
पायलट बनने का शौक था मुझे। शाहिद, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इसका मतलब है आज हमारे दफ्तर में कुछ बहुत ही खास दिन है। शाहिद जो है, बैठो ना, तुम्हारा अपना दफ्तर है। पता शायद मुझे तुम्हारी कामयाबी के ऊपर जितना फख्र होता है ना, तुम्हें अंदाजा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि ये सफर तय करना कितना मुश्किल है और हार मानना आसान। दिलावर भाई, पोलियो होने से पहले ना मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। पता, मेरा पहला बल्ला भी ना मेरे बाबा ने खुद बना के दिया था। गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता रहता था मैं। एक दिन मैंने ऐसी शॉट मारी कि मेरा बल्ला ही टूट गया। फिर मेरे बाबा ने मुझे कहा कि शाहिद, ये बल्ला टूटना तो अच्छा होता है, इसका मतलब है तुम्हारा खेल अच्छा हो गया। अब तुमको बड़ा बल्ला ला के देना पड़ेगा, फिर तुम उससे भी छक्का लगाएगा, ऐसा छक्का लगाएगा ये वो बल्ला भी टूट जाएगा। लगाओगे ना? जी बाबा। मेरे बाबा ने कभी मुझे हारना नहीं सिखाया। एक ख्वाब टूटा तो दूसरा देखा मैंने, फिर उसको पूरा करने के लिए लड़ा। खैर, मैं भी बहुत अरसे से आपको और आपकी स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ। कैसे आपने सिफर से शुरू किया, ब्रांड बनाया, नाम कमाया, और अब ये स्पोर्ट्स शू। ये बताओ कि तुमको सैंपल मिला? जी दिलावर भाई, सैंपल मिला, और बिल्कुल उसी टाइम पे मिला जब मेरे प्लेयर्स को जूतों की जरूरत थी, ऐसे जैसे अल्लाह ताला ने सुन लियो। बस उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ आपसे मैं। देखो शायद मेरी बात सुनो, तुम्हारी सारी टीम के लिए, उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सब के लिए जूते मेरी तरफ से, ठीक है? नहीं नहीं, देखो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे मुल्क की इज्जत होगी ना तो मेरी इज्जत होगी, तुम्हारी इज्जत होगी। ये शाहिद साहब के अंडर 19 की टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन सब के जूते हमारी कंपनी से जाएंगे, तो जरा अच्छा सा प्लान बना के मेरे पास लेकर आओ। थैंक यू। जी 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 जी, उसका सारा खर्चा। क्या हुआ दिलावर भाई, सब खैर है? खैर ही तो नहीं है। क्या मतलब? मैं बहुत अरसे से KPK में पोलियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है कि मेरे अपने ही लोग ही मेरे ऊपर यकीन नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते। आज फिर एक लड़के को पोलियो हो गया हमारे गांव। ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ, दुख की बात तो है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बस मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना जिसे मेरी बात हर घर में, हर गांव में, हर फर्द तक पहुंच सके। दिलावर भाई, एक ख्याल आया मुझे। क्या? आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में KPA कितने लड़के हैं? 3, 4, कितने? 8। और जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही होगा कि KPK में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है। जी, और अगर आप ये क्रिकेट की जबान में बोलेंगे तो आपकी आवाज घर घर तक पहुंचेगी, बल्कि बहुत जोर से पहुंचेगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक अंडर 19 का टूर्नामेंट करवाते हैं, पाकिस्तान भर से 6 टीमें और 15 मैचेस, और पोलियो की ड्राइव साथ साथ चलती रहेगी। ये सारे खिलाड़ी जो होंगे ना हमारे सफीर होंगे और पूरे मुल्क में हमारा पैगाम पहुंचेगा। गुड आइडिया, मैं इसको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ। आगे बताओ। हमें ना एक दिलावर भी बेहतरीन सा ग्राउंड चाहिए होगा जहाँ पे मीडिया आ सके कवरेज करने के लिए। अरे वो तुम लोगों का एक ग्राउंड है ना, लॉरेंस क्रिकेट ग्राउंड। वो तो सेल हो गया ना। अरे उस ग्राउंड की 150वीं सालगिरह है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है उधर कवरेज के लिए। इसका मतलब है कि सिर्फ लोकल मीडिया ही कवरेज नहीं मिलेगी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ही कवरेज मिलेगी। बिल्कुल, जहाँ पे 50 लाख लोगों ने हमें देखना था ना, यहाँ पर हमें 5 करोड़ लोग देख सकेंगे, नेशनली और इंटरनेशनली। वाह, दिलावर भाई नेक काम है तेरी कैसी। ये जगह परफेक्ट है। हाँ, और हम इस ग्राउंड की ओपनिंग के साथ ही अपना टूर्नामेंट भी शुरू करवाना चाहते हैं।
वैसे आप लोग ये टूर्नामेंट करवा किस ले रहे हैं, फ्रेंडली मैचेस या कॉर्पोरेट? पोलियो अवेयरनेस के लिए। वेरी नाइस। आप प्लीज ये चेक रखें और हमारी बुकिंग को कंफर्म कर दें। जी थैंक यू। दोस्त मुबारक हो, टूर्नामेंट के लिए ग्राउंड मिल गई है। बस अब टीमों से बात करना शुरू करो, अगले एक हफ्ते में 6 टीमें अनाउंस करनी है। टूर्नामेंट की डेट में तुझे मैसेज कर रहा हूँ। प्राइज मनी भी बताओ। हाँ, जीतने वाली टीम को 30 लाख का चेक मिलेगा। अच्छा सुनो, मैं घर जाके दोबारा कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। ग्राउंड के मैनेजर की कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दिलावर साहब आप शहर में ही हैं, जा चुके हैं? जी भाईजान मैं तो निकल गया हूँ, लेकिन खैर है ना सब। मुझे आपकी बुकिंग कैंसिल करना पड़ रही है, मैं आपको आपका चेक ऑफिस भिजवा दूंगा। कैंसिल क्यों भाईजान, क्या हो गया? देखिए मेरी ओनर से बात हुई है, वो आपको ग्राउंड देना ही नहीं चाहते। आप एक काम करो, अपने बॉस से जो ना मेरी मुलाकात कराओ, मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। वो आपसे मिलना ही नहीं चाह रहे और उन्होंने मुझे भी सख्ती से मना किया है, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप काइंडली बहस ना करें तो बेहतर है। मैं आपको आपका चेक भिजवा दूंगा। अल्लाह। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, मिलना भी नहीं चाहते, ग्राउंड भी नहीं देना चाहते, ये क्या बात हुई यार? क्या करें अब, टूर्नामेंट किसी और ग्राउंड में करा ले? नहीं 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 यार, नहीं हो सकता ऐसा। मैंने तो मैं बताया था ना वो 50 लाख का 5 करोड़, याद है ना? इस ग्राउंड में हमारा बड़ा फायदा है, सारी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया जो है ना कवरेज करने यहाँ पर आता है। मैं भी इतने आसानी से हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, कर लो जिसने जो करना है। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई है जो मुलाकात करवा दे? शायद एक आदमी है, उसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन में मुलाकात हुई थी उसकी, पोलियो के लिए बड़ा दर्द रखता है वो आदमी, बहुत असर रसूख वाला है, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकता है। देखिए आप एक सियासी शख्सियत हैं और असर रसूख भी रखते हैं, और आपको हमारे मकसद के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। बस हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि आप इस मामले में हमारी थोड़ी सी मदद करें। आप लोग सही जगह पे हैं। ग्राउंड चौधरी यूसुफ है? जी जी, वो क्या टाइटन स्पोर्ट्स। दोस्त मोहम्मद। मिनिस्ट्री मुबारक हो शेख साहब, कैसा चल रहा है? किसी दिन आए ना हवेली, बैठक लगाते हैं। जी जी, याद मैंने आपको इसलिए किया है कि मुझे चौधरी यूसुफ से मिलना अभी। जी 1 घंटे तक शहर पहुंच जाएंगे। ठीक, कोई चाय पानी? नहीं नहीं जी थैंक यू, बस ये मामला हल हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें फिर आपकी उनसे मुलाकात करवाते। अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे मैनेजर ने आप लोगों को साफ साफ बता दिया था कि ग्राउंड नहीं मिल सकता, फिर भी आप लोगों ने कॉल करवाई। जी देखिए चौधरी साहब, ये टूर्नामेंट हम पोलियो के अवेयरनेस के लिए करवाना चाहते हैं, प्लीज आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करें कि हमारा जो आप समझने की कोशिश करें कि ये ग्राउंड आप लोगों को नहीं मिलेगा। चौधरी साहब इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, खास तौर पे उसके सामने जिसको आप जानते ना। सर आखिर पता तो चले गया, मना क्यों कह रहे हैं? देखिए मुल्क में पोलियो केसेस फिर से निकल रहे हैं, बच्चे माजूर हो रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क मौजूद है जहाँ पे अभी तक पोलियो है, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। अगर आप हमें ग्राउंड दे देंगे तो बार बार आप एक ही बात करके मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं और अपना भी। मुझे बोर्ड मीटिंग में जाना है, एक्सक्यूज मी। आज़रा अंदर आना। ग्राउंड आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक, मैं भी देखता हूं मुझे कोई कैसे रोकता है। इजाज़ खान को आज तक किसी ने ना नहीं कहा, टूर्नामेंट तो इसी ग्राउंड में होगा।
एजाज खान, तुम्हारा ये टूर्नामेंट मेरे ग्राउंड में हो ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर किसी और ग्राउंड में करवाने की कोशिश भी करो तो मैं होने नहीं दूंगा। ये चौधरी यूसुफ का वादा है। हमें एक अच्छे काम के लिए बाहर निकले, इससे हमें अन्ना का मसला नहीं बनाना चाहिए। एक दिन क्या हो कि उसकी टांगे जवाब देगी। वो चलने फिरने से महरूम हो गया, उसे पोलियो हो गया था। क्या आपकी बेहिसी की वजह से अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया ना तो उसकी माँ की सिसकियाँ आपको चैन नहीं लेने देंगी, और यही कुदरत का निजाम है।